हेलो दोस्तों, मैं हूं मन प्राइम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को आप स्लो मोशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखे होंगे अपनी वीडियो को स्लो मोशन करते हैं तो वहां पर आपने देखे होंगे म्यूज़िक भी स्लो मोशन हो जाती है। वीडियो जो म्यूज़िक है वो भी स्लो में उसकी साउंड आती है, तो उस प्रॉब्लम को भी आपको इस वीडियो में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आपके जो भी डाउट हैं जैसे कि वीडियो को स्लो मोशन कैसे करते हैं, जैसे कि स्लो मोशन फिर नॉर्मल फिर स्लो मोशन या फिर स्लो मोशन फास्ट मोशन, ऐसी वाली वीडियो कैसे बनाते हैं, वो सारी डाउट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जैसे कि सबसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एंड्रॉयड में बेस्ट एप्लीकेशन है काइन मास्टर स्लो मोशन करने के लिए। इससे अच्छी ऐप अभी काइन एंड्रॉयड पर नहीं आई है स्लो मोशन करने, आई है लेकिन वहाँ पर आपको वीडियो की क्वालिटी कम हो जाती है या फिर उसमें जैसे आप स्लो मोशन करेंगे तो वीडियो लैग होना स्टार्ट हो जाती है। और इन्हें देखे होंगे आप दूसरे एप्लीकेशन ट्राई किए होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अपनी वीडियो को आप काइन मास्टर पर कैसे स्लो मोशन कर सकते हैं और जो उसका म्यूज़िक और स्लो मोशन हो जाता है उसे आप कैसे बिना स्लो मोशन म्यूज़िक को बिना स्लो मोशन यानी म्यूज़िक बिना ख़राब हुए अपनी वीडियो को स्लो मोशन कैसे कर सकते हैं। और आपको काइन मास्टर का जो बेसिक ट्यूटोरियल चाहिए, जैसे बेसिक जो इंट्रो स्टार्टिंग से जो चाहिए बेसिक एकदम ही बेसिक, जैसे आप काइन मास्टर यानी कि जो आप वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है आपका लेकिन आप स्टार्टिंग है आपने इस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने एक न्यू सीरीज वीडियो लाने स्टार्ट कर दिए। जो ये सेकेंड पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस आई बटन पर उसका लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखिए। अगर आप तक अभी तक ने नहीं देखी है इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उस वीडियो को देखिएगा, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं काइन मास्टर में अपनी वीडियो को कैसे स्लो मोशन करते हैं। तो आपका काइन मास्टर ओपन करना है, अगर आपके मोबाइल में काइन मास्टर नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आपको इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, फिर आपको जाना है 9:16 पर, फिर यहाँ पर आपको जाना है मीडिया पर, फिर आपको जिस वीडियो को आपको स्लो मोशन करना है उस वीडियो को आपको लाना है। तो जैसे कि मुझे इस वीडियो को स्लो मोशन और फास्ट मोशन करना है, तो आपको इससे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं छोटी दिख रही वीडियो ऐसे, इसलिए किसे हमें टाइम लाइन को जूम करना है। यहाँ पर वीडियो कैसे टाइम लाइन को आपको जूम करेंगे तो आपको वीडियो को फाइंड करने में इजी हो जाती है, वीडियो को एडिट करने में इजी हो जाती है। तो फिर आपको वो पार्ट आपको वीडियो में अपनी वीडियो में फाइंड करना है जहाँ से आप अपनी वीडियो को स्लो मोशन करनी चाहते हैं। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरी वीडियो स्लो मोशन स्टार्ट होए, तो यहाँ पर आपको वीडियो पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है सीजर के ऑप्शन पर, फिर जो थर्ड में ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक कट लग जाएगी। फिर आप अपनी वीडियो में जहाँ तक की स्लो मोशन चाहते हैं उसे आपको रखना है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ तक कि मेरी वीडियो में स्लो मोशन रहे, तो फिर आपको फिर से इसे थर्ड वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिर आपको देख सकते हैं जो मिडिल में वीडियो की इस वीडियो में हमें स्लो मोशन ऐड करना है, तो मैं अपनी इस वीडियो में स्लो मोशन ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप इधर वाली वीडियो में स्लो मोशन ऐड करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो फिर मुझे अभी लेकिन मिडिल वाली में करनी है। तो इस वीडियो में आपको स्लो मोशन ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसे इस साइड स्लाइड कीजिए लेफ्ट साइड, तो आपकी वीडियो स्लो मोशन हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी वीडियो कम्प्लीटली स्लो मोशन हो गई है। अब फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, जो आपकी जो वीडियो स्लो मोशन है वहाँ पर जो म्यूज़िक भी वो भी स्लो मोशन हो जाती है, तो उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है, फिर जो वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसे ऑफ कर दीजिए वॉल्यूम को, फिर यहाँ पर कोई भी जो वीडियो की जो साउंड है वो स्लो मोशन नहीं होगी, सिर्फ वीडियो ही स्लो मोशन होगी और बाकी सारी वीडियो को ही आपको कर देना है। इसे आप स्टार्टिंग पर ही कर सकते हैं जब बिना कट रहेगी तब, ताकि जो भी यहाँ पर स्लो मोशन करे वो नॉर या फास्ट मोशन करे म्यूज़िक वैसे का वैसे रहे। तो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि इस वाली पार्ट को अगर स्लो मोशन कैसे करना है, तो सिंपली आपको जाना है स्पीड कंट्रोल में, जैसे स्लो मोशन फास्ट मोशन करते वहाँ पर, फिर उसके बाद इधर से आप साइड करेंगे इस साइड स्लाइड करेंगे तो आपकी वीडियो स्लो मोशन इसे फास्ट मोशन हो जाएगी। सॉरी, यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वीडियो में फास्ट मोशन हो जाएगी, यहाँ से आप फास्ट मोशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया, आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो आपकी वीडियो को भी ऐसे स्लो मोशन फास्ट मोशन कर सकते हैं। तो आपको अब सिर्फ इसमें म्यूज़िक ऐड करना है, तो म्यूज़िक यहाँ पर अपने चॉइस से किसी भी सा म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ स्लो मोशन करना बताया, तो यहाँ पर ऑडियो में भी जाकर आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए ये ट्रिक। जैसे कि आप भी किसी का दूसरे का जो वीडियो देखते हैं टिकटॉक पर, दूसरी वीडियो देखते हैं टिकटॉक पर, फिर आप भी उस म्यूज़िक पर टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पर अपनी म्यूज़िक जो देखे होंगे वहाँ पर जो म्यूज़िक को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर अपनी वीडियो में, जैसे कि वहाँ पर देख सकते हैं वो वीडियो फाइल है, तो उसे आप म्यूज़िक में कैसे लाएंगे। तो जिसकी भी म्यूज़िक आप टिकटॉक पर यूज़ किए, यानी कि जिसकी भी म्यूज़िक पर आपने वीडियो बनाई है,
तो उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। जो भी आपने टिकटॉक वीडियो डाउनलोड किए हैं उसका म्यूज़िक लाने के लिए उस वीडियो को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना रहता है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी वीडियो डाउनलोड किया ऐसे ला लेना है। लाने के बाद यहाँ पर वही वीडियो है, तो यहाँ पर आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। आपको अपनी जो भी रहेगी टिकटॉक की वीडियो, जो भी जहाँ से भी डाउनलोड किए रहेंगे वो वाली वीडियो, तो उसकी म्यूज़िक को आपको चाहिए तो कैसे करना है। ऐसे लाने के बाद आपको सीजर पर क्लिक करना है, एस्ट्राइक ऑडियो पर क्लिक करना है, वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो सिर्फ आपको म्यूज़िक मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ये म्यूज़िक मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं किसी भी दूसरे वीडियो का। तो इस तरीके से आपको सब पता चल गया कि अपनी म्यूज़िक को कैसे ऐड करना है। म्यूज़िक लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता होगा जब काइनमास्टर में हम एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो, तो जो वीडियो है उसके जो ऑडियो जो रहती है, जो म्यूज़िक जो रहती है, लास्ट में धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसे आपको ऑफ करना रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑडियो फेड आउट, इसको आपको ऑफ कर देना है। फिर इसे ऑफ करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, तो आपके जो वीडियो के जो साउंड है वो कम नहीं होगी, पर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आपको प्ले करके देख लेना जब अपनी वीडियो को ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।